कृष्णा से बैठ ग्लोरी अवार्ड के बारे में अपने यहाँ आए हो। बहुत बड़ा आभारी हूँ, मेरा सिर्फ गाना रिलीज होकर अभी एक हफ्ता हुआ है और मैं नॉमिनेटेड हूँ इस अवार्ड में। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात का कि आप लोगों, मेरे फैंस लोगों ने मेरे गाने को इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा प्यार दिया है, ये चीज़ों को रिकग्नाइज करते हुए मुझे नॉमिनेट किया है अवार्ड में, तो मैं इधर आया हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी इस चीज़ से। भाग्यश्री जब भाग्यश्री जी यहाँ पे आई थी, क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में? आपने फिल्म देखी होगी मैंने प्यार किया वगैरह और भी फिल्म थी जी। बिल्कुल, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं वो, उनके सामने उनके आगे आके उनके हाथ से अवार्ड लेना मुझे मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं उनसे ले रहा हूँ। जो बचपन में हम लोग उनके पिक्चर देखते थे कि आज मैं उनके हाथों से अवार्ड लेने वाला हूँ, इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर मी। हर चीज़ें ना एक ड्रीम है, क्योंकि बचपन में देखते थे हम उनको टीवी में। मुझे ये थोड़ी था कि मेरे सपने में ऐसे कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इन लोगों के पास अवार्ड लूँगा। दिवाली आदिल आप दोनों का सॉन्ग सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी, प्लीज धमाका करेंगे दिवाली, बहुत बहुत बहुत। आज यू भाई पार्टी रखने वाले हैं ना? हाँ, हम जरूर रखने वाले हैं, सबको बुलाएंगे, हम त्योहार हम सब मिलकर बनाएंगे दिवाली। आज यू भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका गाना काफी हिट हुआ है, लोगों ने बहुत पसंद किया, फर्स्ट कोलैबोरेशन हिट हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आदिल के साथ? थैंक्स, तो मुझे आदिल को बोलना चाहिए कि उन्होंने उस गाने में अपीयर हुआ और आदिल की जो फैन फॉलोइंग है उसने उस गाने को इतना बूम कर दिया कि आज हमारा गाना ट्रेंडिंग पे चल रहा है, आज का इनफैक्ट सेकेंड डे से ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सारे फैंस का, मीडिया वालों ने बहुत सपोर्ट किया, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। तो एक जोश में एक सक्सेस पार्टी हम रखेंगे और आप लोग सब लोगों को बुलाएंगे, और आगे जो हमारे आने वाले चार गाने की शूट हो चुकी है तो उम्मीद करते हैं कि ये गाने से डबल ट्रिपल और बड़े हो गाने। आदिल क्या कहना चाहोगे? काफ़ी हिट हो चुका है, लोगों को काफ़ी पसंद आया गाना, जिस तरह से आप जेल के अंदर थे, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखो, जो मेरी 1.5 साल की स्टोरी थी उसको हमने 3 दिन में शूट करके 4 मिनट में दिखाने की कोशिश की। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी था कि कैसे लगेगी लोगों को, जो तरीके से उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो तरीके से उसको लोगों ने पसंद किया है, जो तरीके से उसके रील्स बने हैं, ऑलमोस्ट ऑल अभी गाने को काफ़ी टाइम हुआ ही नहीं है कि 25-30 हज़ार रील्स बन गए उसको, जो मुझे DMs आते हैं, जो मुझे पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं, जहाँ भी जाता हूँ तो मुझे रुका के जो बात करते हैं कहते हैं कि बहुत अच्छा गाना रहा है। जो मैसेज मैं देना चाहता था, जो सिचुएशन का जो प्रॉपर तरीके से लोगों तक पहुँचा है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि लोगों को पसंद है और गाना मेरा हिट गया है। जब आपको पहला से मालूम था कि ये गाना इतना हिट होगा ही होगा, लेकिन आप लोग काफ़ी इमोशनल हुए ये गाने को लेकर जब आप शूट हुए किए थे, लेकिन आपके जो फैंस भी है वो काफ़ी इमोशनल हुए, और आपके लिए फिर से एक बार जस्टिस फॉर आदिल की मांग की जा रही, क्या कहते हैं? अच्छा, ऐसा है, देखो मैं आपको एक बात कहूँगा, वो जो कैरेक्टर है मैंने कोई मॉडल या एक्टर को हायर करके हम लोगों ने उसको ये नहीं कहा कि एक्टिंग करो, वो जो वो हूँ मैं ही हूँ। तो वापस उस ज़िंदगी को जीना, 1.5 साल जो हुआ था, मेरा सिचुएशन, जो ट्रिगर पॉइंट, जैसे मुझे अरेस्ट किया गया था, जिस तरीके से मुझे जेल में ट्रीट हुआ था, मैं जिस तरीके से मुझे ट्रैप किया गया था, इस वापस इस ज़िंदगी को जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है। सेट में मैं बहुत इमोशनल होता था, मैं रो पड़ता था, तो भाई थे जो मुझे संभालते थे, मुझे सपोर्ट करते थे, ये मेरी स्ट्रेंथ है कि हर हमेशा मुझे समा सिचुएशन को टेक केयर करते थे। और सबसे अहम चीज़ ये तो थी कि आप जाके वो गाना देखो, जैसे कल कोई एक फैन ने रील अपलोड की है, हर कपड़े, हर सीक्वेंस जो भी गाने में सेम है, जैसे मेरे अरेस्ट में कपड़े येलो शर्ट था तो येलो, जो हम जिम के बाहर स्पॉट होते थे, जो भी हमारे कपड़े थे तो वही कपड़े हमने यूज़ किए, वही सिचुएशन, वही गाड़ी जब मैंने तोहफे में दी थी कि क्या कपड़े मैंने यूज़ किए थे, वही हर चीज़ सिमिलर सिचुएशन में ला के हर गाने की लाइन्स डेडिकेट करके लिखना बहुत मुश्किल होता है। एंड थैंक यू सो मच, वो मेहनत कामयाब हुई है, मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ पब्लिक का। हाजी भाई, प्रोड्यूसर बनकर कैसा महसूस हो रहा है? लोग कह रहे हैं कि आपको बड़े बड़े दूसरे सेलिब्रिटी के साथ भी अभी काम करना चाहिए, आदिल के साथ 5 गाने कर लिए, वेब सीरीज कब बना रहे आदिल? अच्छा क्वेश्चन,
पता नहीं, हम लोग दोनों मीटिंग करते हैं और हमारी बातें बाहर आ जाती है। जब हम फर्स्ट गाना बना रहे थे तो हमारे पांचों गानों की न्यूज़ वापस आ गई थी और हर बार किशन हमारे से चीज़ें निकलवा लेता है। यस, हमारी दो वेब सीरीज़ आ रही है और शायद से एक वेब सीरीज़ तो हमारी स्पेशली, क्योंकि आदिल अब महाराष्ट्र का एक बेटा हो गया है, तो एक वेब सीरीज़ तो हम मराठी में भी ला रहे हैं। तो आप उम्मीद करिए कि यू नो आगे जो वेब सीरीज़ हम लेकर आएंगे वो जिस हिसाब से गाने चल रहे हैं उसी हिसाब से वेब सीरीज़ रहेगी और आदिल को एक नए किरदार में आप लोग देखोगे, जैसे बोलते ना महाराष्ट्र का बेटा। ये आप भी की होगी आदिल की, या किस तरह की वेब सीरीज होगी? नहीं, आदिल की स्टोरी पे नहीं है ये, प्लान है ऐसा करना, क्योंकि जो उनके डिटी है ताकि लोगों को मालूम पड़े। ऐसा था क्योंकि जो ना लोगों को जानना था कि क्या हुआ है क्या नहीं, तो बार बार वो बोलने से अच्छा हमने लोगों को दिखा दिया। अब आगे हमारे जितने भी गाने होंगे वो पेपी नंबर्स है, रैप है, एंटरटेनमेंट है, बॉलीवुड है, लव सॉन्ग है। तो अब आदिल को हर गाने में आप नए रूप में, नए अवतार में, डांस नंबर में रोमांस करते हुए। आजी भाई, आप एक स्टार बन चुके हैं, प्रोड्यूसर माने जाते हैं अभी आप इंडस्ट्री के, क्या कहना चाहोगे, आगे की क्या है आपकी प्लानिंग? मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई बस हम एक जगह पे बैठे थे, हमने डिसाइड किया गाना बनाते हैं और वो डिसाइड करते क्या करते आपकी प्लानिंग टी सीरीज जैसे कंपनी बनने का है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम दोनों का साथ साथ में रहेगा तो इंशाल्लाह टी सीरीज को उससे भी बड़ा नाम बन जाएगा। आने वाले वक्त में देखते क्या है, बस ऐसे ही आप लोगों का साथ रहे, सपोर्ट रहे, ऐसे ही प्यार रखिए आदिल दुरानी के लिए, ऐसे सपोर्ट रखिए। हम आपको अच्छे कंटेंट दें वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमको बड़ा होना वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सिमरन जी आइए, सिमरन जी थैंक यू मैम, आइए आइए।